गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते। दिस इज द वन बैकग्राउंड लेक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट एंड वी डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सपेक्टिव। दिस इज द लेक्चर प्लान फॉर दिस होल लेक्चर। Lecture plan is having 60 minutes, but we'll cover this lecture because this is online lecture in short period. What is perspective? Perspective ka matlab kya hota hai? It means seeing towards that point. Ek nazariya, dekhne ka nazariya, kisi baat ko dekhne ka nazariya, isko bola jata hai perspective. जैसे जैसे कुछ कहानियां बताते हैं, कहानियां में एक कहानी, एक पॉपुलर कहानी है, उसमें एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे चार अंधे लोग थे, तो चार अंधे लोगों ने क्या किया कि कुछ उनके सामने एक एनिमल खड़ा था, तो वो एनिमल को उन्होंने देखा तो नहीं, अंधे है, अंधे देख सकते हैं क्या? नहीं, देखा नहीं। क्या किया? टच करने के बाद में उनको लगा, अरे ये एनिमल तो अजगर के जैसे लगता है, स्नेक के जैसा। नहीं नहीं, स्नेक के जैसे कहां है, ये एनिमल तो पोल के जैसा है, दूसरा अंधा बोला। तीसरा अंधा बोलता है, नहीं नहीं, पोल के जैसा नहीं है और स्नेक के जैसा भी नहीं है, सांप के जैसा भी नहीं है, कैसे है, झाड़ू के जैसे है, झाड़ू के जैसे है, तीसरा अंधा बोला। चौथा अंधा बोला, अरे पागल हो क्या, ये एनिमल ना तो स्नेक के जैसे है, ना पोल के जैसे है, ना झाड़ू के जैसे है, ये एनिमल तो टंकी के जैसा है। सब लोगों ने अलग अलग बोल दिया, कौन सा एनिमल है आपको पता है? हाथी। हाथी की सूंड को एक ने पकड़ा तो बोल दिया सांप, दूसरे ने पैर को पकड़ा तो बोल दिया पोल, तीसरे ने पूंछ पकड़ा तो बोल दिया झाड़ू, और चौथे ने पकड़ा पेट तो बोल दिया टंकी। लेकिन हाथी कैसा है? हाथी सबका कॉम्बिनेशन है। ओके, सो different psychologists seeing towards industrial relation in different perspective, different vision, और अलग अलग एंगल से उन्होंने देखा। तो ये है वो तीन एंगल इंडस्ट्रियल रिलेशन perspective, अलग अलग तरीके से देख लिया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। अभी पहला नाम देखिए, यूनिटरी, कुछ वन के जैसा लगता है, यूनिट वन, ठीक है। प्लूरलिस्टिक कैसा लगता है? प्लूरलिस्टिक, प्लूरल, इंग्लिश में सुना है प्लूरल, क्या होता है प्लूरल? सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। ये पहला वाला तो एक है, दूसरा वाला एक से ज्यादा है, और तीसरा कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसलिए उसका नाम है मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स ने दिया था यह पर्सपेक्टिव, इसलिए उसका नाम है मार्क्सिस्ट। अभी ऐसे क्यों हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक पर्सपेक्टिव। यूनिटरी पर्सपेक्टिव सेड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप मेंटेनेंस इज पॉसिबल ड्यू टू ओनली वन लीडर। वन लीडर कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, वन लीडर कैन मैनेज रिलेशनशिप, एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनली वन लीडर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इट्स रिलेशनशिप, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर।
देयर इज एन इंडिविजुअल वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ शेयर्ड गोल बिटवीन टू एम्प्लॉय बिटवीन थ्री अमंग्स थ्री एम्प्लॉय. सो देयर इज अ वी कंसेप्ट नॉट आई कंसेप्ट. सो यूनिटरी पर्सपेक्टिव सेड relationship management is possible due to only one leader and all employees having a common interest. All employees having a common interest and there is a promotion of harmony and peace in the organization and there is only one single authority. क्या है? Single authority है. Single authority है. सिंगल अथॉरिटी है, इसलिए इसको यूनिटरी बोला है. एंड रैशनल व्यू. रैशनल का मतलब आपको पता है? रैशनल का मतलब उस टाइम पे जो सही हो वो, वट एवर राइट एट दैट टाइम, वट एवर राइट एट दैट टाइम, इट इज कॉल्ड रैशनल व्यू. एंड कंसिडर ऑर्गेनाइजेशनल एज ए होल. इसमें इंडिविजुअल को कोई वैल्यू कम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को समझा है. सबसे पहले बेनिफिट किसका समझा जाएगा इसमें? ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, इट मीन्स आई एम नॉट सेइंग सेल्फिश, आई एम सेइंग रिलेशनशिप मेंटेनेंस ऑन द बेस ऑफ ओनली वन लीडर. ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ओनली वन लीडर है? एक मैन में दो तलवारें समाती क्या? नहीं समाती. तो ऐसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ओनली वन लीडर है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज देयर, टाटा ग्रुप इज देयर, देन सिटी बैंक इज देयर, देन गूगल इज देयर, देन other bank, world bank is there, then city bank is there already, repeat हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये अपना एक CEO क्या करता है? CEO संभालता है. CEO is managing organization. unitary perspective. industrial relation is in unitary perspective. ओके, आप मानो या ना मानो, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिटरी में बिलीव करता है. आप करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं करते हो तो ये दूसरा वाला देख लीजिए, प्लूरलिस्टिक. ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लीडर होता है, ऐसा ये पर्सपेक्टिव बोलता है. ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन वन लीडर. और एक से ज्यादा तलवारें एक मैन में आएंगी तो टकराएंगी. ओके, सो इट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू टू लीडर्स. सो इंटरेस्ट इज कॉम्पीटिंग, नेचर इज कॉम्पीटिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. एंड ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप. So and each group have its own interest. Its group have its own interest. And conflict creates stability and said industrial relation. ये conflict, ये pluralistic approach क्या बोलता है? कि organization में एक से ज्यादा leader होंगे. यूनिटरी क्या बोलता है? ए ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओनली वन लीडर एंड ओनली वन लीडर कैन मैनेज इंडस्ट्रियल रिलेशन. ओनली वन लीडर कैन मैनेज इंडस्ट्रियल रिलेशन. बट दिस पर्सपेक्टिव सेड ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर देन वन लीडर. कभी किसी से झगड़ा किया है आपने? लाइफ में किसी से झगड़ा किया है? झगड़ा किया है तो एक बात आपको तो समझ में आई होगी कि झगड़े के बाद में आपको कैसे लगता है. सर एकदम बोर लगता है. ठीक है, बोर लगता है, और थोड़ा सा झगड़ा करो,
फिर कैसे लगता है? ओके, मैं झगड़े करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सीइंग, ओके, इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट और इन्वॉल्व इन क्वारल, आई एम नॉट सीइंग, आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल. सॉरी इफ यू विल टैकलिंग इन यूअर मूड, आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल. डोंट डोंट इन्वॉल्व इन क्वारल, डोंट इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट, बिकॉज कंफ्लिक्ट इज डेंजरस, क्वारल इज डेंजरस. झगड़े अच्छे नहीं होते हैं, ओके, झगड़े नहीं करना है. लेकिन झगड़ा करने के बाद में कैसे लगता है ये पूछ रहा हूं मैं. अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है. क्यों फ्रेश? इसीलिए लगता है बिकॉज इट इज अ मेंटल कंडीशन, इट इज अ मेंटल कंडीशन, इट इज अ साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन. आफ्टर कंफ्लिक्टिंग यू विल फील बेटर. मियाँ बीबी बीबी का घर में झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है, मम्मी पापा का भी होता है. मम्मी पापा झगड़ा करने के बाद में अच्छे हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं. क्यों? बिकॉज कंफ्लिक्ट इज समवट बेनिफिट टू यू, ओके. इसलिए ये बात नहीं है कि झगड़े करते रहना, ओके. कभी कभी कंफ्लिक्ट भी काम में आता है. सो लास्ट लाइन पड़ी है, कंफ्लिक्ट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड सेट गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन. कंफ्लिक्ट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड सेट गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन. यह क्या बात हो गई? क्रिएट स्टेबिलिटी, कंफ्लिक्ट लेकिन स्टेबिलिटी क्रिएट करता है स्टूडेंट, एंड सेट गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन. प्लूरलिस्टिक अप्रोच बोलता है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या बोलता है कि कंफ्लिक्ट आएगा, तूफान आएगा, लेकिन तूफान आने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाएगा, लेकिन फिर से आप स्टेबल हो जाएंगे. कंफ्लिक्ट तो ऐसे सालों साल तो चलते नहीं रहेगा. जैसे आपने मम्मी पापा को देखा है झगड़ा करते, ओके. मम्मी पापा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप, ये कॉमन झगड़ा होता है इसलिए, ओके. मम्मी पापा अगर घर में झगड़ा नहीं करते तो बहुत अच्छा है, ओके, और करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, ओके, ज्यादा नहीं करना है. लेकिन फ्रेश लगता है झगड़ा करने के बाद. ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज बिलीव इन कंफ्लिक्ट, एंड कंफ्लिक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ बेटर रिलेशन. लेकिन ये जो झगड़ा है, हमारा डिस्कशन चल रहा था, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा, दिस क्वारल विल नॉट कंटिन्यू अप टू ए ईयर, अप टू डेज. ये दिनों दिन तक चलते रहता है क्या? ये चलते रहता है क्या झगड़ा? नहीं, कुछ देर तक चलता है बंद हो जाता है. किसी को चमाट मार दो एक कान के नीचे, उसके बाद में थोड़ी देर में लगता है नहीं नहीं फालतू में मार दिया बेचारे को, सॉरी बोल देता हूँ, बोल देती हूँ. ठीक है, क्यों बोल देते हैं सॉरी? बिकॉज मेंटल कंडीशन ऑफ ह्यूमन इज लाइक दैट. ह्यूमन इज बेसिकली ह्यूमन इज मर्सीफुल इन नेचर. वो दयावान होता है, उसका नेचर ही वैसे है. गॉड के पार्टिकल से बने हैं हम, ओके. हम कोई और नहीं है, लेकिन ये जो गुस्सा है ये थोड़े समय के लिए आ जाता है. वॉट एवर, ओके. मैं तत्वज्ञान तो सुना नहीं रहा हूं, साइकोलॉजी बता रहा हूं, ओके. इट इज साइकोलॉजी. सो कंफ्लिक्ट विल आइज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेबल. इट क्रिएट दी स्टेबिलिटी. तो रिलेशनशिप मेंटेन होता है, बट कंफ्लिक्ट विल अराइज. हमने बताया था आपको सेमेस्टर 2 में, आप
गोल्ड के कप में चाय पीजिए घर पे, सोने के कप में चाय पीजिए, सोने के कुर्सी पे बैठिए, सोने का आपका घर हो, सोने का इन द सेंस गोल्ड का, ओके गोल्ड का घर हो, लेकिन झगड़ा तो होएगा ही, झगड़ा तो होएगा ही, तूफान तो आएगा ही, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेटस. फर्स्ट पर्सपेक्टिव से ओनली वन लीडर कैन मैनेज रिलेशन, सेकंड पर्सपेक्टिव से टू लीडर इज देयर एंड कंफ्लिक्ट अराइज एंड आफ्टर रिजोल्विंग दैट कंफ्लिक्ट और आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ दैट कंफ्लिक्ट और कंफ्लिक्ट विल नेचुरली रिजॉल्व ऑल्सो एंड रिलेशन विल स्टेबल. एंड देन थर्ड वन इज अ मार्सिस, मार्सिस कंफ्लिक्ट. कार्ल मार्क्स ने इसको लाया था, कार्ल मार्क्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसको बोला है मार्सिस कंफ्लिक्ट. इसको रेडिकल भी बोला जाता है. रेडिकल का दूसरा मतलब होता है बैलेंस. अभी हम वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस प्लूरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कंफ्लिक्ट अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस पर्सपेक्टिव ने बताया हमको कि कंफ्लिक्ट होता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि क्यों होता है, वो बात इन्होंने बताया. दिस पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई कंफ्लिक्ट विल अराइज. कंफ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक गैप, कंफ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक गैप. किसी के पास पैसा ज्यादा, किसी के पास पैसा कम, किसी के पास पगार ज्यादा, किसी के पास पगार कम, किसी के पास में एसेट ज्यादा, किसी के पास में एसेट कम, इसके वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. किसी का रिस्पेक्ट ज्यादा, किसी का रिस्पेक्ट कम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक गैप एज वेल एज इमोशनल गैप. इकोनॉमिक गैप एज वेल एज इमोशनल गैप. ओके रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे हम तो रिस्पेक्ट के बारे में लेबर को तो उनका रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रिस्पेक्ट तो देना चाहिए. ओके इमोशनल गैप इज देयर, लेकिन जानबूझकर अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो क्या है, वो इनजस्टिस है. ओके सो ड्यू टू इनजस्टिस कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन. एंड रेडिकल अप्रोच सेड दैट रेडिकल पर्सपेक्टिव सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज inevitable in nature. Conflict is inevitable in nature and it is due to type of society, it is due to type of person, it is due to behavior of person, it is due to personality, it is due to actual input from the society and it is due to economic gap. Because economic disparity create conflict. Economic disparity will create conflict. So these are the three perspectives, student. पहला बोलता है कि एक ही लीडर है, दूसरा बोलता है कि एक से ज्यादा लीडर है और कंफ्लिक्ट होता है. एक ही लीडर, ओनली वन लीडर कैन मैनेज रिलेशनशिप. Two or more leader can manage relationship, but conflict will arise between the leader. Second perspective said, and third perspective explain the reason behind the conflict. It is a radical approach. Radical, it means a balance. So student, this is about the perspective of industrial relation. IR perspective करके आपके
आपके सिलेबस में है, तो ये पर्सपेक्टिव है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव, इट इज कॉल्ड एज अ पैटर्नलिस्टिक। सेकंड इज प्लूरलिस्टिक, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। एंड थर्ड वन इज ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेडिकल पर्सपेक्टिव। सो स्टूडेंट, इट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सपेक्टिव। इट इज द सपोर्टिव लेक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, एंड इफ यू डिसलाइक दिस वीडियो डिसलाइक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। सॉरी।